This question, a glass plate is placed above a glass cube of 2 centimeters in such a way that there remains a thin air layer between them in the figure like this. Electromagnetic radiation of wavelength between this range 400 nanometer to 1150 nanometer for which the plate is penetrable. This light is able to penetrate this plate, incident perpendicular to the plate from above and is reflected from both air surfaces and interferes. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. तो इसमें जो रिफ्लेक्शंस हमें कंसिडर करने, तो वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस इंटरफेस ग्लास टू एयर एंड वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस इंटरफेस विच इज एयर टू ग्लास. सो दिस टू रिफ्लेक्शंस यू हैव टू कंसिडर एंड दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेयर. इन दिस रेंज ओनली टू वेवलेंस गिव मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट. मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. वन ऑफ देम इज 400 नैनोमीटर. सो 400 नैनोमीटर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और एक और वेवलेंथ है, देर इज वन मोर वेवलेंथ फॉर विच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस. फाइंड द सेकेंड वेवलेंथ. तो वन वेवलेंथ इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द अनदर वेवलेंथ. एंड नेक्स्ट डिटरमाइन हाउ इट इज नेसेसरी टू वार्म अप द क्यूब सो एज इट वुड टच द प्लेट. तो इसको कितना हीट किया जाए, कितना यानी टेम्परेचर इसका राइज किया जाए सो दैट कि ये इसको टच करने लगे. द कॉफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज दिस मच. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर म्यू इज इक्वल टू वन. द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द क्यूब फ्रॉम द प्लेट डज नॉट चेंज. सो बॉटम ऑफ द प्लेट, दिस इज द बॉटम ऑफ द प्लेट, सॉरी दिस इज द बॉटम ऑफ द प्लेट एंड दिस सर्फेस. सो दिस डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग विद द चेंज इन टेम्परेचर. सो लेट अस फर्स्ट कंसनट्रेट ऑन दिस वे ऑप्टिक्स पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. फ्रॉम दैट पार्ट वी हैव टू फाइंड दिस डी एंड फ्रॉम डी वी कैन फाइंड the rise in temperature so that this dimension, the edge of this cube can increase by amount d. So we have to find rise in temperature and for that we have to find d. So yahan pe first d find out karna hai and for that d you have to see this wave optics part. To isme jo wavelengths hain, wavelengths is range mein aa rahi 400 nanometer to this much range. So first we have to write conditions for the कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जो भी कंडीशन यहाँ पर आएंगी, पार्ट डिफरेंस दैट वी हैव टू सी. तो जनरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, दैट इज एन लैम्डा. सो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो भी पार्ट डिफरेंस, जो भी यहाँ पर फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू पार्ट डिफरेंस. और ओनली ड्यू टू पार्ट डिफरेंस है तो ये जो एन लैम्डा के इक्वल का पार्ट डिफरेंस होता है उससे फेज डिफरेंस जो हो जाता है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, सो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n पाई के इक्वलेंट. ठीक है. और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. सो लैम्डा इज इक्वलेंट टू अगेन 2 पाई. तो जो फेज डिफरेंस यहाँ पर है वो कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई. इट इज़ पाई ऑड मल्टीपल, इट इज़ पाई इवन मल्टीपल. तो इट इज़ इवन मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस, इट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. सो हियर वी आर अज्यूमिंग द ओनली द फेज डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू पार्ट डिफरेंसेस. लेकिन समटाइम्स इस तरह के रिफ्लेक्शंस में यहाँ पर एक्स्ट्रा फेज डिफरेंसेज आते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शंस. ठीक है. तो पार्ट डिफरेंस इज देयर बट देयर मे बी एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, सो दैट वी हैव टू सी. तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे यहाँ पर इसको देखा जा सके. तो वी हैव टू कंसिडर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस टू इंटरफेसिस, दिस इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस. यू टू टेक द रिफ्लेक्शंस एंड फ्रॉम दोज reflected rays we are able to see the interference pattern as given in the question. तो यहाँ पर जो rays आ रही है, suppose ray में जो भी tilt वगैरह है उन tilts को हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं diagram में. Tilts are very very less if there are any tilts. तो यहाँ पर एक ray suppose इस तरीके से आई और वो इस interface से reflect होती है. Suppose reflect होने के बाद में मैं इसे blue से represent कर रहा हूँ, it is going like this. तो दिस इज़ वन ऑफ दैट रिफ्लेक्टेड रे. फिर उसके बाद में जो रेड है, रेड का कुछ पार्ट सम एनर्जी विल ट्रांसमिट और अगेन इसका रिफ्लेक्शन होगा. और रिफ्लेक्शन होने के बाद में इट इज़ समथिंग गोइंग लाइक दिस, इट इज़ द रे नंबर टू. सो व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू. तो वन एंड टू के इसमें ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, तो सारा सेपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ सेपरेशन स्टार्ट हुआ तो वन यहाँ से सेपरेट हो गई एंड वन हैज़ टू ट्रैवल दिस मच टू कम आउट. उसके बाद में जो टू है, टू के लिए दिस इज़ द एक्स्ट्रा पाथ एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा पाथ. और ये वाला जो पाथ है इस ग्लास प्लेट के अंदर, वो दोनों के लिए सेम है, दैट इज़ सेम फॉर बोथ. तो ये जो पाथ है दिस इज़ क्रिएटिंग दी
ये जो एक्स्ट्रा पाथ है दिस इज क्रिएटिंग द ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस विच इज़ 2D हियर, दिस इज डी एंड दिस इज डी. सो 2D इज द ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस एंड इफ दिस मीडियम हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू तो जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 2μT के इक्वल. ठीक है, तो दिस इज द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस. बट नाउ वी हैव टू सी कि इज देर एनी फेज डिफरेंस ऑफ पाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन. तो पाई का फेज डिफरेंस तब आता है जब रे रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्शन शुड बी फ्रॉम द डेंसर मीडियम. तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इफ वी कैन सी कि दिस इज ग्लास एंड रे इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो इट इज़ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर मीडियम एयर, सो देर इज़ नो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा इसकी वजह से. लेकिन यहाँ पे द रे इज़ मूविंग इन द रेयर मीडियम एयर और एयर से वो ग्लास की तरफ मूव कर रही है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास, सो देर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. तो एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, देर इज़ एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई. तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस देर इज़ फेज डिफरेंस ऑफ पाई ऑल्सो. सो आवर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी रिवर्स्ड, कंडीशन फॉर बोथ काइंड ऑफ इंटरफेरेंसेज विल बी रिवर्स्ड. जनरली जो पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन लिखते हैं वो एन लैम्डा, और उसके वजह से इस पूरे एन लैम्डा की वजह से ये 2nπ आता है यहाँ पे. लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, अगर पाई का फेज डिफरेंस ऑलरेडी आ रहा है तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तो उसमें पाई ऐड हो जाए या उसमें पाई सब्ट्रैक्ट हो जाए. दैट मीन्स वो पाई का ऐड या सब्ट्रैक्ट होना वो किससे होगा, वो होगा यहाँ पर पाथ डिफरेंस से. तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस के थ्रू जो फेज डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए वो पाई के जैसा होना चाहिए, जिससे कि टोटल मिला के फेज डिफरेंस इस तरीके का हो जाए, 2nπ टाइप का हो जाए. ठीक है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर हियर. तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द कंडीशन इज़ कि 2μD, म्यू इज़ 1 हियर फॉर एयर, 2μD दिस वुड बी इक्वल टू, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी, 2n+1 लैम्डा बाई 2. यानी कि जो फेज डिफरेंस, जो ये पाथ डिफरेंस है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इसके वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा वो 2n+1π जैसा होगा, 2n+1π. ठीक है, और पाई ऑलरेडी उसके वजह से हो रहा है तो वो मिल करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर देगा, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2. अब यहाँ से अब इस कंडीशन को अगर देखें तो कौन कौन से लैम्डाज एक गिवन डी के लिए, गिवन म्यू के लिए कौन कौन से लैम्डाज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर जाएगा तो इट विल गिव 4, तो इट इज़ 4μD डिवाइडेड बाय 2n+1, और म्यू को मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, इट इज़ 1, या कोई ज़रूरी नहीं, हम बाद में भी इसको पुट कर सकते हैं. तो 4μD डिवाइड बाय 2n+1, दिस इज़ लैम्डा. तो डिफरेंट डिफरेंट लैम्डाज के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर n होगा. ठीक है, लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो n कम होगा. तो किस किस तरीके के लैम्डाज आएंगे, तो मैं अगर उसकी लिस्ट बनाऊँ यहाँ पे, तो इफ़ n इज़ 0 हियर तो इट इज़ 4μD, इफ n इज़ 1 हियर इट इज़ 4μD डिवाइड बाई 3. कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पे 2n-1 रखना है या 2n+1, तो इट डजंट मैटर टू मच. ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये 4μD के नीचे यहाँ पे 1, 3, 5, 7 इस तरीके के टर्म्स आएंगे, तो 2n-1 रखेंगे तो उसमें n 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा. फिर यहाँ पे n 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आई हैव टेकन 2n+1 तो ये हो जाएगा 4μD/5. तो दिस आर दी वेवलेंस विच कैन इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, इनके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर हो सकता है. ठीक है, इस तरह के ये मैं बहुत सारे वैल्यूज़ पूरी सीरीज़ यहाँ पर इस तरीके से मैं लिखता चला जा सकता हूँ. अब सपोज़ यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इसमें, जो मैंने यहाँ पर ये सीरीज़ लिखी है, इस सीरीज़ में अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में लैम्डा जो आपको मिलेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा. ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम लैम्डा, फिर उसके बाद में ये कम होगा लैम्डा, ये लैम्डा और कम होगा, लैम्डा और कम होगा, तो डिक्रीजिंग लैम्डा होगा और एन इंक्रीजिंग होगा. ठीक है, जो ये एन की वैल्यू है वो एन की वैल्यू यहाँ पर, जैसे इसके लिए एन की वैल्यू 0, इसके लिए एन की वैल्यू 1, 2, 3, इस तरीके से इट इज़ गोइंग ऑन. तो ये जो 400 है, वो 400 इनमें से कौन सा है, विच वन इज़ 400, वी डोंट नो, हमको पता नहीं कि इसमें से 400 कौन सा वाला है. 400 4μD/9 हो सकता है, इट कैन बी 4μD/7, इट कैन बी 4μD/13, 15, 17, तो मुझे पता नहीं कि कौन सा है.
तो अभी जस्ट इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं इसमें से किसी एक को जस्ट यूं ही समझने के हिसाब से, ठीक है, सपोज़ मैं ये ज़ूम कर लेता हूँ कि लेट्स से दिस इज़ माय 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। अब देखिए, अगर 400 नैनोमीटर अगर इसके लिए हुआ है, ठीक है, और ये मुझे पता है कि सिर्फ दो ही वेवलेंथ ऐसी हैं जिसके वजह से मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वेवलेंथ है ये वही, ये दो कॉन्जिकेटिव ही हो सकती हैं। इसके बाद तो अगर आप जाओगे तो ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ क्या हो जाएगी, दिस वेवलेंथ इज़ लेस देन 400 नैनोमीटर, तो लेस देन 400 नैनोमीटर वाला तो हमको चाहिए नहीं, वी नीड इन दिस रेंज 400 टू 400 से लेकर के 1150 के रेंज में चाहिए। तो ऑब्वियस है कि 400 से अगर हम इधर पीछे की तरफ आएंगे इस डायरेक्शन में तो वेवलेंथ बढ़ी हुई मिलेगी और इस वेवलेंथ के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। अब उसके बाद में अगर आप और पिछवाओगे तो वेवलेंथ और बढ़ जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब ये जो 4μ/7 है यहाँ पे, दिस 4μ/7 दिस वेवलेंथ इज लेस देन 1150, यानी कि ये इस रेंज में आ रहा है, 400 से लेकर के 1150 के रेंज में आने वाली वेवलेंथ है, ठीक है, दिस इज़ द सुटेबल वेवलेंथ। लेकिन अब इन दोनों के अलावा और किसी से इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ शुड बी मोर देन, तभी तो इस रेंज में नहीं आ रही है, मोर देन 1150, ठीक है। सो ये दो कॉन्जिकटिव वेवलेंथ है, ठीक है, और उसके पीछे जब जाओगे तो वो 1150 से ज़्यादा हो जाएगी, दिस इज़ मोर देन 1150, और ये वाली अगर पकड़ते हो तो इट इज़ लेस देन 400 नैनोमीटर। लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये 400, ये जो ये 9 का फैक्टर आएगा कि 7 का फैक्टर आएगा, इट कैन बी एनी थिंग। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक जनरल अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट इन जनरल। तो 400 वाले को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, इट इज़ 4μd डिवाइडेड बाई 2n+1, ये 400 वाला है, दिस इज़ माई 400। अब इसमें अगर ये वाली मैं लूँगा तो उसमें n की वैल्यू जस्ट मैं 1 माइनस कर लूँगा, ठीक है, तो 1 लेस कर देंगे n, तो 2n-1, ठीक है। अगर इस वाली वेवलेंथ की बात करोगे तो अगेन 1 और माइनस करो इसमें, ठीक है, ये वाली वेवलेंथ हो जाएगी। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ये है कि ये तो 400 है लेकिन ये वाली जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ शुड बी लेस देन 1115, और ये जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1115, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिक्स करने के लिए हमारे पास में इक्वेशन आएगी। तो अब जो 4μd है, इसमें जो 4μd यहाँ पर आ रहा है, उस 4μd को आप सीधे सीधे ये पुट कर सकते हो, 400 × 2n+1, ठीक है। तो मैं दो इक्वेशन यहाँ बना लेता हूँ, एक इक्वेशन ये लेस देन वाली और इक्वेशन ग्रेटर देन वाली। तो लेस देन वाली इक्वेशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये वाली जो वेवलेंथ है 4μd की जगह पे लेट अस पुट दिस 400 × 2n+1 डिवाइडेड बाय, जो नीचे क्वांटिटी है वो क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी 2n-1, तो दिस इज 2n-1, दिस वेवलेंथ शुड बी लेस देन 1150। इसको फर्दर थोड़ा अगर सॉल्व करें यहाँ पर इसमें, तो ये 2n+1 थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, तो 1150 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो इट विल बी 23/8, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 46n-23, दिस वुड बी ग्रेटर देन 16n+8। इसके बाद इसको लिख सकते हैं 30n शुड बी ग्रेटर देन, वैसे अब ये हो जाएगा n शुड बी ग्रेटर देन 31/30, तो n शुड बी ग्रेटर देन 31/30 का मतलब n तो इंटीजर है, तो 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा का मतलब है n जो होगा 2, 3, ठीक है, इस तरीके का हो सकता है। अब मैं दूसरे कंडीशन को अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, तो सेकेंड कंडीशन मोर देन वाली कंडीशन, तो 4μd की जगह पे 400 × 2n+1, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2n-3, इट इज़ 2n-3, तो 2n-3 दिस इज ग्रेटर देन 1150। तो फर्दर वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2n+1 डिवाइड बाई 2n-3, दिस विल बी ग्रेटर देन 23/8। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 46n-69, दिस वुड बी लेस देन 16n+8, सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन इट इज 30n शुड बी लेस देन 77, सो n शुड बी लेस देन 77/30, तो 77/30 इज 2. something, सो ऑब्वियसली n अगर इससे कम है तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 एटसेट्रा इस तरीके की हो सकती है। अब देखो जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा कि
ये वाला जैसे मैंने 4 मल्टीप्लाई 9 लिया, इसके लिए मैंने अगर एन जीरो ले लिया तो इसके पीछे तो अब एन नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एन तो आगे जाने से बढ़ता है। जैसे ये फिर ये एन वन हो जाएगा इसका मतलब, ये एन माइनस वन हो जाएगा इसका मतलब, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो वाली वैल्यू को तो आप छोड़ सकते हो यहाँ पर, और जो यहाँ पर आ रहा है कि 2 3 इस तरीके का होना चाहिए, तो ये 2 से स्टार्ट करके 2 से बढ़ा और यहाँ पर ये 2 तक ही जा रहा है सर। तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, वो कॉमन वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी एन इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके मैंने एन की वैल्यू निकाल ली जो पॉसिबल है, तो एन इज इक्वल टू 2 है 400 के लिए। ठीक है, तो 400 के लिए एन इज इक्वल टू 2। अब एक बार एन कैलकुलेट हो गया तो सिंपली 4 μD डिवाइड बाई 2n+1 इज 400, तो इससे वी कैन फाइंड डी इजिली। ठीक है, इजिली यहाँ से वी कैन फाइंड डी। तो यहाँ से अब डी पता कर लेते हैं, तो 4 μD, म्यू इज़ 1, डी कैलकुलेट करना है 2n+1, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 5, दिस इज 400, ये नैनोमीटर में चल रहा है यहाँ पर सब कुछ इसमें, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 500 नैनोमीटर। सो डी इज़ 500 नैनोमीटर, एंड इट इज़ कंपेरेबल टू, इट इज़ वेरी मच कंपेरेबल टू द लैमडा। तो यहाँ पर डी 500 नैनोमीटर आ गया। एक बार डी कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद में अब जस्ट व्हाट वी हैव टू डू कि कितना टेम्परेचर राइज करे जैसे कि जो इंक्रीमेंट है लेंथ में वो डी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इट इज़ नाउ वेरी फेयरली सिंपल कि डेल्टा एल, दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज ऑरिजिनल लेंथ एल, अल्फा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। सो वी हैव टू फाइंड दिस डेल्टा टी विच इज़ डेल्टा एल डिवाइड बाई एल अल्फा। डेल्टा एल, डेल्टा एल वी वॉन्ट इक्वल टू डी, एंड एल इज़ एच एंड इट इज़ अल्फा। सो वी कैन पुट दी वैल्यूज, और वैल्यूज पुट करने के बाद में आंसर करीब करीब 3.1 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आ जाएगा। तो इतना टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। एंड द आंसर फॉर दिस सेकेंड वेवलेंथ इज़, तो इसमें जो 4 μD/2n+1 है, दिस इज़ द 400, और उसके जस्ट पहले ये वाली जो वेवलेंथ है, ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड वेवलेंथ, तो एन की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो इसका मतलब है कि 4 μD डिवाइडेड बाय जो 2n+1 है, तो एन 2 है तो 4 μD/5, ये जो वैल्यू है दिस इज़ 400 नैनोमीटर। और इसके बाद में इससे जस्ट पहली वाली वेवलेंथ होगी, तो 4 μD/3, दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेवलेंथ जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये लैम्डा कितना होगा यहाँ पर इसमें, तो 4 μD की वैल्यू इज़ 2000 नैनोमीटर, है ना, 4 μD इज़ दिस मच, तो लैम्डा इज़ 4 μD इज़ 2000 नैनोमीटर, 2000/3, तो इट इज़ 666.7 नैनोमीटर। सो द सेकेंड वेवलेंथ इज 666.7। और अगर मैं इससे अगर पीछे जाता हूँ तो जो इसके पीछे जो वेवलेंथ मेरे को मिलेगी वो मिलेगी 4 μD/1, एंड 4 μD/1 इज 2000, एंड 2000 इज़ आउट ऑफ द रेंज, इट इज़ नॉट इन द रेंज। सो दिस इज द सेकेंड वेवलेंथ।